ओके सो सबसे पहले रिकैप कर रहा हूँ जो हमने लास्ट क्लास में जो क्लासेस में हमने पढ़े थे ना, वो मैं पूरा पूरा रिकैप कर रहा हूँ ताकि शायद किसी स्टूडेंट को स्टोरी शायद जाए समझते भूल सकते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर जिन जो भूल गए हैं उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एड्रियन जो है, जो किंग मिनोस की बेटी है, वो थीसिस के पास गई थी। थीसिस जो था वो किंग मिनोस के महल के जेल में बंद था, सही है। तो फिर एड्रियन जो थी वो छुप छुप करके थीसिस के पास गई थी और उसे कहा कि एड्रियन जो है वो थीसिस की मदद करेगी कि वो मिनोटोर को कैसे मारे, सही है। थीसिस ने कहा कि मिनोटोर का अगर मैंने मार दिया तो फिर मैं उस मेज से, उस गुफाओं से कैसे निकलूंगा, सही है। तो फिर एड्रियन ने कहा कि हाँ, उसका भी कोई मसला नहीं, मैं उसका भी तुम्हें हल जो है बता दूंगी, सही है। फिर थीसिस कहता है कि मैं जो हूँ तो हम भरोसा क्यों करूँ, सही है। ये सब कुछ सवाल पूछता है कि फिर एड्रियन कहती है कि तुम्हें मैं भरोसा करना पड़ेगा अगर तुम्हें उस मिनोटोर को मारना है, सही है। तो अभी ये जो पैराग्राफ है, अभी हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप जो हैं इस वीडियो को पॉज करें, आपको जो स्क्रीन में टेक्स्ट दिख रहा है आप वो पूरा पूरा रीड करें ज़ोर ज़ोर से, सही है। रीड करने के बाद मैं दोबारा रीड करूँगा इंग्लिश में ही। उसके बाद अगर कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको मुश्किल लग रहे हैं रीड करना, आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लें, सही है। उसके बाद मैं जब रीड करूँगा आप वो सुनिएगा, मैं वो उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ। उसके बाद सारा रीड करने के बाद मैं आपको पूरा उर्दू में मीनिंग भी समझाऊंगा। ओके, अभी आप वीडियो को पॉज कर लें और रीड करें। होपफुली आपने रीड कर लिया होगा। ओके, अभी मैं रीड कर रहा हूँ। एड्रियन टुक थीसिस टू द लैब्रिन्थ, देन शी गेव हिम अ बॉल ऑफ थ्रेड, अ टॉर्च एंड अ स्वॉर्ड। थीसिस, व्हाट इज दिस बॉल ऑफ थ्रेड फॉर? एड्रियन, You'll need it to find your way out of the labyrinth. She tied the thread to the door and unwind it as you move and unwind it as you move through the labyrinth. The Minotaur sleeps at midnight for just an hour. That's your only opportunity to kill him. Hurry, Theseus. Okay, तो यहाँ पे सबसे पहले बता रहे हैं कि एड्रियन जो थी उसने फिर कहा कि थीसिस को कहा कि चलो मेरे साथ, मेरा पीछा करो, मैं तुम्हें लेबरेंथ की तरफ लेके जा रही हूँ, सही है। लेबरेंथ होपफुली आपको याद होगा, उसकी मीनिंग मैंने आपको क्लास में बताई थी। लेबरेंथ हम बोलते हैं एक मेज़ को, सही है, एक ऐसा जगह, ऐसा मेज़ जहाँ का रास्ता ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, सही है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था एक गेम का, जहाँ पे हमें लाइन से पूरा पूरा एक जगह से एंटर होना होता है फिर दूसरी जगह से निकलना होता है, सही है। तो उस टाइप के गेम को हम मेज बोलते हैं, सी। और अगर वो रियल लाइफ में हो, गुफाओं जैसा हो जाए, सी, तो हम उसे लैबरिंथ बोलते हैं, सी है। तो जब वो उस मेज की तरफ लेके गई एलियन जो है, जब थीसिस को उस लैबरिंथ की तरफ लेके गई जहाँ पे मिनोटोर रहता है, उसने उसे तीन चीज़ें दी हैं, सी है। एक है अ बॉल ऑफ थ्रेड, धागा दिया, सी है। दूसरा है टॉर्च दिया, अच्छा ये वो वाला टॉर्च नहीं है जो अभी हम इस्तेमाल करते हैं, बैटरी वगैरह जिसमें बैटरी वगैरह डालते हैं, सही है। ये टॉर्च जो है वो वाला है, एक लकड़ी होती है जिसके आखिर में आग जल रहा होता है, सही है, उसे भी टॉर्च ही बोलते हैं, सही है। और आखिरी चीज़ जो थी वो उसने उसे एक तलवार दिया, सही है। फिर थीसिस जो है जब वो देखता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, सही है। वो कहता है कि मैं तो मिनोटोर को मारने जा रहा हूँ, सही है, तो मुझे इस धागे की क्या ज़रूरत, सही है। फिर एड्रियन कहती है कि धागा जो है ये तुम्हारी मदद करेगा रास्ता वापस ढूंढने में, सही है। फिर थीसिस जो होता है वो फिर सोचता है क्या मतलब ये मेरी कैसे मदद करेगा, सही है। फिर एड्रियन जो है वो धागे का जो एक साइड जो होता है, शुरू वाला हिस्सा जो होता है, वो दरवाजे पे बांध देती है, दरवाजे का जो जो हैंडल है ना वहाँ पे बांध देती है, सही है। फिर थीसिस को कहती है कि जैसे जैसे तुम गुफा के अंदर अंदर जाते जाओगे वैसे तुम धागे को खोलते रहना, सही है। उसका जैसे ही धागा
जैसे ही तुम्हें मिनोटॉर मिल जाए तो फिर तुम मिनोटॉर को मार के इसी धागे का पीछा करना, सही है। फिर थीसिस कहता है, सही है, अभी वापस आने का तो रास्ता मिल गया, लेकिन मैं मिनोटॉर को मारूंगा कैसे, सही है। फिर एड्रियन कहती है कि हाँ, उसका भी कोई मसला नहीं, मिनोटॉर जो है वो हमेशा उसका जो एक फिक्स टाइम होता है सोने का, सही है, वो हमेशा रात आधी रात में, बिल्कुल पूरे आधी रात में, यानी कि 12 बजे वो सोता है, वो सिर्फ एक घंटे के लिए सोता है, सही है। तो वही तुम्हारे पास मौका होगा उसे मारने का। ओके, सो सबसे पहले रिकैप कर रहा हूँ जो हमने लास्ट क्लास में, जो क्लासेस में हमने पढ़े थे ना, वो मैं पूरा पूरा रिकैप कर रहा हूँ ताकि शायद किसी स्टूडेंट को स्टोरी शायद जाए चाहते भूल सकते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर जिन जो भूल गए हैं उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एड्रियन जो है, जो किंग मिनोस की बेटी है, वो थीसिस के पास गई थी। थीसिस जो था वो किंग मिनोस के महल के जेल में बंद था, सही है। तो फिर एड्रियन जो थी वो छुप छुप करके थीसिस के पास गई थी और उसे कहा कि एड्रियन जो है वो थीसिस की मदद करेगी कि वो मिनोटॉर को कैसे मारे, सही है। थीसिस ने कहा कि मिनोटॉर का अगर मैंने मार दिया तो फिर मैं उस मेज से, उस गुफाओं से कैसे निकलूंगा, सही है। तो फिर एड्रियन ने कहा कि हाँ, उसका भी कोई मसला नहीं, मैं उसका भी तुम्हें हल जो है बता दूंगी, सही है। फिर थीसिस कहता है कि मैं जो हूँ तो हम भरोसा क्यों करूँ, सही, ये सब कुछ सवाल पूछते हैं कि। फिर एड्रियन कहती है कि तुम्हें मैं भरोसा करना पड़ेगा अगर तुम्हें उस मिनोटॉर को मारना है, सही है। तो अभी ये जो पैराग्राफ है, अभी हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप जो हैं इस वीडियो को पॉज करें, आपको जो स्क्रीन में टेक्स्ट दिख रहा है आप वो पूरा पूरा रीड करें ज़ोर ज़ोर से, सही है। रीड करने के बाद मैं दोबारा रीड करूँगा इंग्लिश में ही। उसके बाद अगर कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको मुश्किल लग रहे हैं रीड करना, आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लें, सही है। उसके बाद मैं जब रीड करूँगा आप वो सुनिएगा, मैं वो उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ। उसके बाद सारा रीड करने के बाद मैं आपको पूरा उर्दू में मीनिंग भी समझाऊँगा। ओके, अभी आप वीडियो को पॉज कर लें और रीड करें। होपफुली आपने रीड कर लिया होगा। ओके, अभी मैं रीड कर रहा हूँ। Adrian took Theseus to the labyrinth. Then she gave him a ball of thread, a torch, and a sword. Theseus, what is this ball of thread for? Adrian, you'll need it to find your way out of the labyrinth. She tied the thread to the door and unwind it as you move through the labyrinth. The Minotaur sleeps at midnight for just an hour. That's your only opportunity to kill him. Hurry, Theseus. Okay, तो यहाँ पे सबसे पहले बता रहे हैं कि एड्रियन जो थी उसने फिर कहा कि थीसिस को कहा कि चलो मेरे साथ, मेरा पीछा करो, मैं तुम्हें लैबरिंथ की तरफ लेके जा रही हूँ, ठीक है। लैबरिंथ होपफुली आपको याद होगा, उसकी मीनिंग मैंने आपको क्लास में बताई थी। लैबरिंथ हम बोलते हैं एक मेज को, ठीक है, एक ऐसा जगह, ऐसा मेज जहाँ का रास्ता ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, सही है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था एक गेम का, जहाँ पे हमें लाइन से पूरा पूरा एक जगह से एंटर होना होता है, फिर दूसरी जगह से निकलना होता है, सही है। तो उस टाइप के गेम को हम मेज बोलते हैं, सही है। और अगर वो रियल लाइफ में हो, गुफाओं जैसा हो जाए, सही है, तो हम उसे लैबिरिंथ बोलते हैं, सही है। तो जब वो उस मेज की तरफ लेके गई एड्रियन जो है, जब थीसिस को उस लैबिरिंथ की तरफ लेके गई जहाँ पे मिनोटॉर रहता है, उसने उसे तीन चीज़ें दी हैं, सही है। एक है अ बॉल ऑफ थ्रेड, धागा दिया, सही है। दूसरा है टॉर्च दिया, अच्छा ये वो वाला टॉर्च नहीं है जो अभी हम इस्तेमाल करते हैं, बैटरी वगैरह डाल जिसमें बैटरी वगैरह डालते हैं, सही है। ये टॉर्च जो है वो वाला है, एक लकड़ी होती है जिसके आखिर में आग जल रहा होता है, सही है, उसे भी टॉर्च ही बोलते हैं, सही है। और आखिरी चीज़ जो थी वो उसने उसे एक तलवार दिया, सही है।
फिर थीसिस जो है जब वो देखता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, सही है। वो कहता है कि मैं तो मिनोटोर को मारने जा रहा हूँ, सही है, तो मुझे इस धागे की क्या ज़रूरत, सही है। फिर एडियन कहती है कि धागा जो है ये तुम्हारी मदद करेगा रास्ता वापस ढूंढने में, सही है। फिर थीसिस जो होता है वो फिर सोचता है क्या मतलब ये मेरी कैसे मदद करेगा, सही है। फिर एडियन जो है वो धागे का जो एक साइड जो होता है शुरू वाला हिस्सा जो होता है वो दरवाजे पे बांध देती है, दरवाजे का जो जो हैंडल है ना वहाँ पे बांध देती है, सही है। फिर थीसिस को कहती है कि जैसे जैसे तुम गुफा के अंदर अंदर जाते जाओगे वैसे तुम धागे को खोलते रहना, सही है। उसका जैसे ही धागा जैसे ही तुम्हें मिनोटोर मिल जाए तो फिर तुम मिनोटोर को मार के इसी धागे का पीछा करना, सही है। फिर थीसिस कहता है सही है अभी वापस आने का तो रास्ता मिल गया लेकिन मैं मिनोटोर को मारूंगा कैसे, सही है। फिर एडियन कहती है कि हाँ उसका भी कोई मसला नहीं, मिनोटोर जो है वो हमेशा उसका जो एक फिक्स टाइम होता है सोने का, सही है, वो हमेशा रात आधी रात में बिल्कुल पूरे आधी रात में यानी कि 12 बजे वो सोता है, वो सिर्फ एक घंटे के लिए सोता है, सही है। तो वही तुम्हारे पास मौका होगा उसे मारने का। अच्छा ये पिक्चर देखें, यहाँ पे देखें थीसिस के हाथों में तलवार है, एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में टॉर्च है, और एड्रियन जो है उसके हाथों में एक बॉल है, सही है। वो बॉल जो है धागे का बॉल है, सही है। वो फिर पूरा समझा रही है कि किस काम का है। ओके नेक्स्ट फिर कह रहे हैं थीसिस टाइड द थ्रेड टू द डोर एंड वेंट इनटू द लैबिरिंथ, इट वाज cold and very very dark. Slowly he went deeper and deeper into the labyrinth. A few minutes later, Theseus heard soft growling noises in the distance and moved in that direction. Theseus, I'm going to kill the Minotaur, set Athens free and punish King Minos. Okay, फिर Theseus जो है वो धागा जो है दरवाजे के हैंडल में बांधता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके गुफा के अंदर जाता है। गुफा के अंदर काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है और जैसे जैसे वो गुफा के अंदर अंदर जाता रहता है वैसे अंधेरा ज़्यादा होता रहता है, जाहिर सी बात है पूरा पूरा गुफा जो होता है वो पूरा बंद होता है ना, तो वहाँ पे कभी भी कोई भी रोशनी नहीं जाती। और दूसरी तरफ एक तो रात का भी टाइम था, सही है, क्योंकि मिनोटोर जो है हमेशा आधी रात में सोता है, सही, रात का भी टाइम था तो फिर बिल्कुल ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन थीसिस के पास एक टॉर्च भी था, सही है, तो फिर इसलिए उसे अंधेरे में दिखाई दे रहा था। तो काफ़ी देर तक वो रास्ता ढूंढता गया, इधर उधर घूमता रहा, तो अचानक से उसे हल्की हल्की सी ग्रॉलिंग की आवाज़ आती है, सही, ग्रॉलिंग की आवाज़, ग्रॉलिंग हम बोलते हैं किसी भी जानवर के आवाज़ को, सही। तो फिर बहुत ही हल्की आवाज़ आ रही थी, तो फिर जैसे ही थीसिस ने वो ग्रॉलिंग की आवाज़ सुनी वैसे ही वो आहिस्ता आहिस्ता वो मतलब पैरों की जो आवाज़ होती है ना वो भी बिल्कुल खामोश हो गया, वो आहिस्ता आहिस्ता उस ग्रॉलिंग की आवाज़ का पीछा करने लगा कि जहाँ से आवाज़ आ रही थी वो उसी डायरेक्शन में उसी तरफ जा रहा था, सही है। फिर उसने जाके जब उस आवाज़ का पीछा किया उसने तो उसे वहाँ पर मिनोटोर दिखा, सही, उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खामोशी से उसने अपने आप को कहा कि मैं जो हूँ मिनोटोर को मार दूंगा, मारने के बाद एथेंस जो है वो पूरा पूरा फ्री हो जाएगा, उसके बाद मैं किंग मिनोस को पनिश करूंगा। फ्यू मिनट्स लेटर थीसिस फाउंड द मिनोटोर, द क्रिएचर वाज अस्लीप, स्लोली ही टुक आउट हिज स्वॉर्ड बट मिनोटोर हर्ड द नॉइज एंड वोक अप। व्हेन ही सॉ थीसिस ही इमीडिएटली जंप to his feet, roared and ran towards him. Theseus moved closer to the creatures, raised his sword and thrust it into the Minotaur's heart. The Minotaur roared again and then fell to the ground. Theseus, die you monster, we are free. Victory for Athens. अच्छा तो जैसे पहले मैंने कहा था कि उस थीसिस को मिनोटोर की ग्रॉलिंग की आवाज़ आ रही थी, वो उसका पीछा करता रहा कुछ मिनट के लिए, उसका उसे मिनोटोर मिल गया था, सही है। उसने देखा कि मिनोटोर जो है वो सो रहा था बिल्कुल अपनी नींद में, बिल्कुल ही बेहोश
क्या नाम है, बिल्कुल सोया हुआ है बस, सही है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली उसने अपनी तलवार निकाला, सही है। आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कि जब भी हम तलवार निकालते हैं, फिर तलवार का एक कवर होता है ना, जिसमें जो हम अपने बेल्ट की तरफ लगाते हैं, उसका जब हम तलवार निकालते हैं तो फिर करके आवाज़ आती है ना। तो उसने जब तलवार निकाला तो उस तलवार से आवाज़ आ गई, जिसकी वजह से फिर मिनोटोर की जो आंखें थी वो खुल गई, सही है। उसने जब देखा कि थीसिस जो है उसके हाथों में तलवार है, उसके सामने है, बिल्कुल उसे मारने वाला है, तो जल्दी से खड़ा हो गया मिनोटोर, सही। और वो जल्दी से मतलब जल्दी से खड़ा होकर फिर वो थीसिस की तरफ भागने लगा, सही। जैसे ही वो भागने लगा थीसिस की तरफ, थीसिस जो है फिर उसने तलवार जो है उसने सीधा किया, आगे किया, उसका जैसे मिनोटोर उसकी तरफ भागते रहा था ना, तो उसने फिर तलवार जो है मिनोटोर के दिल के तरफ घुसा दिया, सही है। और जब तलवार जो है थीसिस की तलवार जब मिनोटोर के दिल की तरफ चला गया, उसे मार दिया, तो फिर मिनोटोर की बहुत जोर की आवाज़ निकली, रॉर, उसकी बहुत रॉर, यहाँ पे लिखा हुआ है द मिनोटोर रॉर एंड अगेन एंड देन फेल ऑन द ग्राउंड। रॉर मतलब घुर्राना, सही है, जैसे शेर घुर्राता है ना वैसे ही। तो जैसे ही थीसिस ने अपना तलवार मिनोटोर के दिल में घुसा दिया, उसने बहुत जोर की आवाज़ निकाली, वो घुर्राया, उसके बाद घुर्राने के बाद वो नीचे ज़मीन में गिर गया। जब वो नीचे गिर गया मिनोटोर जो जब ज़मीन में गिर गया, थीसिस ने कहा डाई यू मॉन्स्टर, मतलब मर जाओ तुम मॉन्स्टर, अभी हम फ्री हैं। एथेंस की जीत आखिरकार हो गई। Okay. Outside the labyrinth, Adrian was walking up and down. Thesis followed the thread back, and a few minutes later, he came out of the labyrinth. Adrian was happy to see him. Adrian, oh Thesis, you are so brave. You killed the Minotaur. Please promise to take me to Athens with you and marry me. Thesis, yes, yes, I promise. Come, let's go get the others. ओके, तो यहाँ पे भी बता रहे हैं कि जब थीसिस जो है मिनोटोर से लड़ रहा था, तो एड्रियन जो थी वो आगे पीछे ऐसे बाबा घूम रही थी, सही। जैसे कभी कभी जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं तो फिर हम भी आगे पीछे इधर उधर घूम रहे होते हैं ना, तो वैसे ही एड्रियन भी आगे पीछे इधर उधर बाबा दरवाजे के बाहर ऐसे ही घूम रही थी, सही। फिर थीसिस जो है उसने फिर धागा जो है, जो एड्रियन ने जो धागा दिया था उसे, उसका वो पीछा करते करते वो फिर कुछ मिनट के बाद उस गुफा से निकल गया, सही है। मतलब एड्रियन ने देखा कि थीसिस जो है सही सलामत गुफा से निकल गया, तो वो उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, उसे कहा कि ओ थीसिस, तुम कितने ज़्यादा बहादुर हो, तुमने अकेले ही मिनोटोर को मार दिया, अब मुझ अभी प्लीज़ मुझसे वादा करो कि तुम जो हो मुझे एथेंस लेके जाओगे और वहाँ पे लेके जाके मुझसे शादी करोगे। थीसिस पे कहता है हाँ हाँ ज़रूर, मेरा ये वादा है, मैं तुम्हें एथेंस ज़रूर लेके जाऊंगा और वहाँ पे तुमसे शादी करूंगा, लेकिन पहले जो भी दूसरे लोग हैं, अच्छा आपको याद होगा मैंने पिछले क्लास जब चल रही थी मैंने आपको कहा था कि एथेंस के पांच जवान औरत और पांच जवान मर्द जो थे वो हमेशा हर साल किंग मिनोस के पास जाते थे एज अ सेक्रीफाइस, है ना। तो फिर थीसिस ने कहा हाँ हाँ ज़रूर, लेकिन पहले हमें दूसरों को जो जवान औरत और जवान मर्द जो हैं उन्हें हमें क्या नाम है फ्री करना होगा, क्योंकि वो लोग अभी तक जेल में थे। थीसिस एंड एड्रियन रेन टू द प्रिजन, द गार्ड्स वर स्टिल अस्लीप, एड्रियन ओपन द डोर एंड लेट द प्रिजनर्स आउट। When Theseus told them that the Minotaur was dead, they cried with joy. Athenians, thank you for saving our lives, Theseus. Thank you, you are a true hero. Theseus, no time for that now, we must hurry. Adrian, the ship is waiting for us at the harbor. The feast is over now and everyone is asleep. Everybody is asleep. They won't see us. Okay, फिर यहाँ पे फिर बता रहे हैं कि फिर थीसिस और एड्रियन जो हैं वो फिर भागते भागते जेल की तरफ, जहाँ पे एथेंस जो थे पांच जवान औरत और मर्द जो जहाँ पे कैद थे वहाँ पे भागते हुए जाते हैं, सही है।
और गार्ड्स जो थे, जो प्रिजन गार्ड्स जो हैं, जो जेल की जो गार्ड्स हैं, वो अभी तक सो रहे थे, क्योंकि मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़वाया था कि क्या नाम है, मीनोस का जो किंगडम है, वहाँ पे पूरे पूरे किंगडम में, पूरे पूरे उसके सल्तनत में बहुत बड़ी क्या नाम है, पार्टी चल रही थी, सही है। तो पार्टी के बाद सारे के सारे लोग जो थे थक चुके थे, जो गार्ड जो थे वो भी पार्टी, उन्होंने भी पार्टी में हिस्सा लिया था, और जब वहाँ से काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, सही है। तो सारे के सारे जितने भी लोग थे वो सारे सारे सो रहे थे, और जो गार्ड्स थे वो भी सो रहे थे, सही है। तो फिर कह रहे हैं कि जब वो प्रिजन में गए अंदर, वो गार्ड जो थे वो अभी तक सो रहे थे, तो उन्हें कुछ पता नहीं चला कि थीसिस जो है वो अपने प्रिजन से, अपने सेल से वो निकल भी गया, उसने मिनोटॉर को मार भी दिया, और भी वो छुप छुप करके वापस भी आ रहा है, सही है। ओके, फिर कह रहे हैं कि एडियन ने जो, उसने जो चाबी जो चुराई थी गार्ड के पॉकेट से, उसने फिर वो चाबी लिया, और जितने भी प्रिजनर्स थे, जितने भी कैदी थे एथेंस वाले, उन सबों को आज़ाद कर दिया, सही है। फिर थीसिस फिर बताता है अपने सारे एथेंस को कि मैंने मिनरो को मार दिया है, सही है। बोलने जैसे ही वो थीसिस जो है ये बताता है, जितने भी एथेंस हैं वो फिर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, सही है। वो फिर कहते हैं, शुक्रिया थीसिस, तुम सच्चे हीरो हो हमारे, तुमने हम सबों की तुमने जान बचा दी, सही है। फिर थीसिस कहता है कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है सेलिब्रेट करने का, हमें जल्दी करना चाहिए, ठीक है। फिर एड्रियन जो है वो कहती है कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी सी शिप जो है वो हमारा इंतज़ार कर रही है हार्बर में, हार्बर हम बोलते हैं जहाँ पे कश्तियाँ जो हैं जहाँ पे रुकते हों, सही है। तो एड्रियन कहती है, वो उसने कहा कि हार्बर में हमारा जो शिप है वो हमारा इंतज़ार कर रहा है, और जो पार्टी जो है, फीस्ट जो है, फीस्ट और पार्टी दोनों आप सेम ही समझ रहे हैं, सही है। फीस्ट जो है किंग मिनोस का, वो भी ख़त्म हो गया है, और इस वक्त सारे के सारे लोग जो हैं किंगडम में, सारे लोग सो रहे हैं, तो अगर हम अभी जाएंगे छुप छुप करके तो फिर कोई भी हमें नहीं देखने वाला। थीसिस, एड्रियन एंड द यंग एथेंस वॉक्ड टू द हार्बर। थीसिस वाज स्टिल वेरी वरीड। थीसिस, we are still in danger. King Minos's ship may follow us. Then he had an idea. Thesis, before we leave, we must make holes in King Minos's ship. That way the ships won't be able to follow us. Young man, good idea, Thesis. Let's do it. Adrian, we must hurry. The sun will rise soon. Acha. फिर बाद में थीसिस, एड्रियन और जितने भी सारे जवान एथेंस थे वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हार्बर की तरफ वॉक कर रहे होते हैं। अच्छा, वॉक इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि अगर वो भागेंगे तो फिर शोर आएगा, सही है, जिसके वजह से जो भी लोग सो रहे हैं वो उठ ना जाएं, सही है। तो इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता करके चल रहे होते हैं। लेकिन जब वो चल रहे होते हैं, जब वो हार्बर की तरफ जा रहे होते हैं, थीसिस जो है वो अभी तक काफ़ी ज़्यादा वरी होता है, सही है। वो कहता है कि हम जो हैं अभी तक डेंजर में हैं, अगर हम जाएंगे अभी तो फिर जाहिर सी बात है किंग मिनोस तो कभी ना कभी उठेगा अपनी नींद से, जाहिर सी बात है उठना है उसे, और जब वो उठेगा तो वो देखेगा कि हम जेल में नहीं हैं, तो वो कश्तियों और अपने सारे के सारे कश्तियाँ भेजेगा हमें पकड़ने के लिए। फिर जैसे ही वो ये बोलता है, उसके दिमाग में एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया आता है, सही। वो कहता है, चलो ऐसा करते हैं, जाने से पहले जितने भी किंग मिनोस के कश्तियाँ हैं हम उसमें नीचे से एक सुराख कर देते हैं, सही, ताकि अगर वो कश्ती में हमारा पीछा करे तो फिर कश्ती जो है डायरेक्ट पानी के अंदर डूब जाए और वो हमारा पीछा नहीं कर सकें, सही है। फिर एथेंस जो है एक जवान मर्द में से एक इंसान बोलता है, हाँ थीसिस, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया, चलो हम ऐसा करते हैं जाने से पहले। लेकिन फिर एड्रियन कहती है कि हाँ ये करो जल्दी, लेकिन तुम्हें बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि सूरज जो है वो कुछ ही देर में निकल आएगा और सारे सारे लोग जो हैं जाग जाएंगे। थीसिस, एड्रियन एंड द यंग एथेंस मेड होल्स इन ऑल द शिप्स, देन दे गॉट ऑन द शिप एंड सेट सेल फॉर एथेंस। दे कुडंट बिलीव दैट दे वर गोइंग बैक होम। दे ट्राइड, दे वर टायर्ड बट हैप्पी। Adrian was watching the sunrise
when Theseus walked up to her. Theseus, Adrian, I want to thank you for everything. You risked your life to help me kill the Minotaur. Adrian, I must thank you, Theseus. I'm so happy to leave Crete. Okay. फिर अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि थीसिस, एड्रियन और जितने भी यंग एथेनियंस हैं वो सारे सारे मिल के किंग मिनोसिस के जितने भी कश्तियाँ हैं उन सबों में एक होल बना देते हैं, सुराख बना देते हैं सी, ताकि वो सारे सारे उनका पीछा ना कर सकें समुद्र में. ओके फिर बाद में ये करने के बाद वो फिर दोबारा अपने कश्ती में चढ़ते हैं और वापस अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं. रास्ते में वो काफ़ी सारे थके हुए होते हैं, जाहिर सी बात है बहुत काम किया हुआ होता है उन्होंने सी ये, लेकिन वो साथ साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं सी ये. एड्रियन जो है जब वो वापस जा रही होती है तो फिर रास्ते में कुछ देर के बाद सूरज जो है निकलना स्टार्ट हो जाता है सी ये. उसका वो फिर थीसिस के पास जाती है, उसका उसे कहती है थीसिस फिर उसे कहता है एड्रियन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे लिए किया है. तुमने अपना तुमने अपना लाइफ अपना सब कुछ गवा दिया और तुमने मेरी मदद की मिनोटॉर को मारने में सी है. फिर एड्रियन कहती है नहीं नहीं मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए कि तुमने मेरी मदद की कि मैं जो हूँ क्रेट्स को क्रेट से निकल सकूँ और मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ. They continued their journey until they came to the island of Naxos. They needed food and water, so Theseus decided to stop there. The people of Naxos welcomed them and gave them food and drink. Locals. It's an honor to have the son of King Aegeus in our here in Naxos. Please spend the night here. You can leave in the morning. Theseus. थैंक यू आर जर्नी इज लॉन्ग एंड वी आर वेरी टायर्ड. अच्छा फिर यहाँ पे बता रहे हैं जैसे जैसे वो चलते रहे तो काफ़ी सारा टाइम गुजर गया, वो कश्ती में ही थे और उनके पास खाने के लिए और पीने के लिए इतना कुछ नहीं था सही है. फिर रास्ते में वो एक जगह रुके, उस जगह का नाम था नेक्सोस सही है. फिर वहाँ पर जब रुके नेक्सोस के जो लोग थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेलकम किया एजस को, थीसिस को. उन्होंने कहा कि अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल्स सी है. लोकल्स यानी कि नेक्सोस की जो भी रिहायशी थे ना, जो भी उस जगह में रहते थे, हम उन्हें बोलते हैं लोकल्स सी. जैसे कि खैरपुर के लोकल्स वो हैं जो खैरपुर में रहते हैं, जैसे आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं हो गया सी है, हम सब जो हैं खैरपुर के लोकल्स हैं सी है. तो भी जो नेक्सोस के जो लोकल्स थे उन्होंने कहा कि हमें किंग एजियस के बेटे से मिलकर बहुत ही खुशी हुई, आप ऐसा करें आप एक रात के लिए यहाँ पे ठहर जाएं, आप काफ़ी थक चुके होंगे सही है, फिर आप सुबह में वापस अपने घर के लिए रवाना हो सकते हैं. फिर तीसरे जो है वो कहता है हाँ शुक्रिया भाई, आपने आपको हम तकलीफ देने या सब कुछ सही है, हम पहले से काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं तो हम आज के लिए यहाँ पे रहेंगे क्या नाम है एक रात के लिए सही है. ओके क्लासेस तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो नेक्स्ट क्लास में जो भी आगे की कहानी है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पूरी पूरी ये किताब कंप्लीट हो जाएगी. उसके बाद इसका जो भी एक्टिविटी पेज है हम फिर वो करेंगे.